तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सी के सर में, और मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या दूसरा का दूसरा। दोस्तों हाँ, मैं एक बात और बोल दूँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, दूसरा के दूसरा प्रश्न यही कहता है, क्या कहता है, कहता है ना कि 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री बराबर व्हाट है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है tan 90 डिग्री, बी में है 1, सी में है साइन 45 डिग्री, और डी ऑप्शन जो है 0 है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बोल दूं, यदि अभी तक त्रिकोणमिति का अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाके क्लिक कर आप पहले पिछला वीडियो देख लीजिए जिससे आपको ये प्रश्नावली पूरी तरह समझ में आ जाए। और हाँ, तो आगे देखिए, तो यहाँ कहता है 1 - tan² 45 बटा 1 + tan² 45 बराबर दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे, तो 1 - tan² 45 बटा 1 + tan² 45। तो दोस्तों 1 है तो 1 - tan² 45 यानी tan 45 स्क्वायर है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं होल स्क्वायर, नीचे 1 + tan 45 के होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 है तो 1 है माइनस tan 45 के मान 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी बट्टा। अब देखिए 1 + tan 45 तो tan 45 के मान 1, दोस्तों 1 - 1, अब 1 + 1 बराबर देखिए 1 में से 1 जाएगा 0 और 1 और 1 2। अब जो जीरो में अगर 2 से भाग देते हैं तो इसका मान हमेशा क्या मिलता है, 0। अतः जब हमने हल किया तो 0 आया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसका मान 0 होता है, या 0 ऑप्शन में है तो है ऑप्शन डी में, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न यही कहता है, सॉरी तीसरा प्रश्न, कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर, मतलब कि इसमें से a का मान यहाँ पे रख के देखना है कि a का मान जो LHS में रखेंगे और जो इस LHS में जो मान आएगा वही मान यदि RHS में रखने पर भी आ जाता है वही ऑप्शन आपका राइट होगा, सही होगा। तो आइए पहले हम लोग 0 रख कर देखते हैं, तो sin 2 * 0 बराबर 2 sin, एक की जगह पर 0 ना तो 0। दोस्तों अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो sin 2 में 0 से गुना होगा तो sin 0 डिग्री बराबर, यहाँ देखिए 2 * sin, तो sin यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, क्योंकि एक की जगह पे रख देना है 0, तो 0 रख दिया हमने, तो sin 0 का मान होता है 0। अब देखिए sin 0 का मान 0 बराबर 0 से 2 में गुना तो 0, अतः LHS बराबर RHS आ गया, अतः आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों दूसरा प्रश्न कहता है कि 2 tan 30° बटा 1 - tan² 30° बराबर है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या कहता हूँ कि जो प्रश्न आपको दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2 tan 30° बटा 1 - tan² 30°। ध्यान दीजिए 2 है ना, तो 2 * tan 30 के मान होता है 1/√3 बटा, यहाँ देखिए 1 है तो 1 - tan 30, तो tan 30 के मान 1/√3, और यहाँ होल स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिए ऊपर के ऊपर से गुना, तो 2/√3 और बट्टा ये हो जाएगा 1 - 1² 1, और जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, केवल बचेगा 3, तो 2/√3 बट्टा नीचे क्या करेंगे, भिन्न के घटाव बना लेंगे, तो 3 - 1/3,
तो 2/√3 बटा ऊपर बचेगा 2 बटा नीचे क्या बचेगा 3। और देखिए 2 से 2 कट जाएगा यानी ये चला जाएगा कहाँ ऊपर, अतः 3/√3। हम लोग इसको हर पर में करण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में होगा 3√3 बटा नीचे हो जाएगा 3, 3 से 3 कट गया केवल आ गया √3। दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि √3 जो है ऑप्शन ए बी सी डी मतलब कि चारों में से किसका मान √3 होता है, तो cos 60, तो cos 60 के मान होता है कितना 1/2, ये गलत। अब देखिए sin 60 √3/2 ये खत्म, tan 60 √3 यानी कि ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, sin 30 1/2 इसलिए भी खत्म, अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, देखिए तीसरा प्रश्न यदि कहता है कि यदि tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3 जहां दिया हुआ है ये, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। दोस्तों इसे बनाना बहुत ही सरल है, इजी है, केवल हाँ नजरें बनाए रखिए। तो आइए देखिए क्या कहता है, पहले लिखते हैं tan इंटू ए माइनस प्लस है बी बराबर √3। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही देखेंगे कि इस साइड क्या लिखा हुआ है, तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या दिया हुआ है tan, तो देखेंगे कि tan में ही √3 किसका मान होता है यानी tan कई डिग्री का मान √3 होता है, तो ये लिख देंगे tan इंटू ए प्लस बी बराबर, देखिए तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 के जगह पे tan 60 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए tan इधर भी और tan इधर भी, अतः दोनों साइड में tan tan मिल गया, तो tan tan जो मिल जाए उसे बंद कर देते हैं, जो बचेगा उसे नीचे लिख देते हैं, अतः ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः लिखते हैं प्रश्न से, चूंकि क्या दिया हुआ है एक और tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि साइड कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दिया हुआ है, तो ये साइड दिख रहे हैं कि क्या है tan, तो हम लोग tan में ही ढूंढेंगे कि 1/√3 कई डिग्री का मान होता है, तो सबसे पहले लिख लेंगे tan इंटू ए माइनस बी बराबर, tan कितना डिग्री का मान 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 के जगह पे tan 30, देखिए tan इधर ही मिल गया, दोनों को बंद कर लेंगे, जो बचेगा वही नीचे लिखते हैं, तो a माइनस बी बराबर 30, इक्वेशन हो गया सेकेंड। चूंकि कहता है कि a और b का मान ज्ञात करें, दोस्तों यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिला है, इन दोनों को हम लोग सरल कर लेंगे, हल करेंगे, यानी लिखेंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड के जोड़ेंगे तो b यहाँ प्लस में है, b माइनस में है, कट जाएगा, अतः क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो एक कट जाएगा, यहाँ होगा 2a बराबर 90। अब देखिए यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा 45 × 90, तो a बराबर मिल गया 45 डिग्री, a का तो मान मिल गया परंतु b का नहीं मिला है, तो a का मान लिखेंगे, a का मान समीकरण, आप समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं सेकंड में भी रख सकते हैं, तो समीकरण चलिए फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में देने पर तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a का मान 45, तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसलिए b बराबर 60 और 45 प्लस में है, उसे जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में, घट जाएगा तो 10 में से 5 गया 5, ये बचेगा 5, 5 में से चार गया 1, तो 15 डिग्री, यानी b का मान मिल गया 15 डिग्री, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। और एक यहाँ यानी a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री होगा, तो अगर यहाँ आप लोग को नजर नहीं आ रहा है तो मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ a बराबर 15 डिग्री। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन
क्या कहता है? तो चौथा प्रश्न कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है तथा असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। पहला दिया हुआ है सत्य असत्य, हमें चुनना है। पांच प्रश्न है, ध्यान दीजिए। कहता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस एन बी। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग मान रख के देख लेंगे। तो माना कि ए बराबर जीरो डिग्री तथा बी बराबर 30 डिग्री मैंने मान लिया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, एल एच एस में रखेंगे। तो एल एच एस में क्या है, एल एच एस में तो साइन इंटू ए प्लस बी, तो साइन इंटू ए का मान दोस्तों देखिए तो क्या माने हैं, जीरो प्लस बी का मान 30। तो जोड़ देंगे तो साइन जोड़ देंगे तो 30 डिग्री मिलेगा, और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब हम लोग चलेंगे आर एच एस में, तो आर एच एस से दोस्तों जब हम लोग देखेंगे तो आर एच एस में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। तो आइए, तो साइन ए अतः साइन और ए का मान जीरो रखना है, प्लस साइन साइन क्या रखना है दोस्तों, बी के जगह पे 30 डिग्री, क्योंकि साइन बी है तो बी के जगह पे 30 डिग्री। तो साइन बताइए, साइन जीरो का मान जीरो प्लस साइन 30, तो साइन 30 का मान क्या आ जाता है, 1/2। अब ये तो सही आ गया, लेकिन अब हम लोग एक अलग मान, चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, चलिए एक और मान लेकर के देख लेते हैं। तो ए बराबर मैं ले लेता हूँ 30 और बी बराबर ले लिया 60, इसलिए तो क्या जाएगा रखेंगे, तो साइन ए प्लस बी है तो 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90, यानी साइन 90 के मान 1 होता है। अब आर एच एस में देखिए तो क्या जाएगा, साइन ए तो ए कितना दिया है 30, तो साइन 30 और जोड़ साइन बी, तो साइन बी कितना जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 30 के मान 1/2 और जोड़ साइन 60 के मान 3/2। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 1+√3/2 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे तो 1 आ गया एलएचएस में, लेकिन आरएचएस में क्या गया, 1+√3/2, जो कि एलएचएस नॉट इज इक्वल टू आरएचएस, मतलब एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, इसलिए यह जो है असत्य है, यही कारण लिख देंगे। दूसरा प्रश्न कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताया था, क्या बताया था देखिए, कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी कि साइन जीरो डिग्री, यही ना थीटा है, थीटा के मान जीरो डिग्री यानी जीरो, फिर क्या होता था साइन 30 डिग्री, फिर क्या साइन 45 डिग्री, फिर साइन 60 डिग्री, फिर साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए तो साइन जीरो के मान जीरो होता है, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान 3/2। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं, यह जो है इसका मान हमेशा बढ़ते चला जा रहा है, यानी थीटा में वृद्धि हो रहा है। देखिए 0 से 30, 30 से 45, 45 60, और यहाँ 0, 0 से हो गया 1/2, 1/2 से इससे भी कुछ बढ़ गया, इससे कुछ बढ़ गया, फिर बढ़ गया, 1 हो गया। अतः थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कहेंगे कि साइन थीटा का जो मान है वृद्धि होती है, अतः यह सत्य हो जाएगा। अब देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो आइए तो क्या होता है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिए कॉस 0 के मान कितना होता है दोस्तों, 1, कॉस 30 के मान कितना होता है 3/2, कॉस 45 के मान 1/√2 और कॉस 60 के मान कितना होता है 1/2 और कॉस 90, कॉस 90 के मान क्या होता है 0। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, घटते चले जा रहा है, यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में हानि होती है, अतः यहाँ जो कह रहा है कि वृद्धि होती है यह गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा यह क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। अब कहता है चौथा प्रश्न कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है,
चलिए अब उदाहरण से बनाते हैं, तो थीटा बराबर मान लिया 30 डिग्री, तो इस साइड दोस्तों क्या जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर ये साइड हो जाएगा कॉस थीटा के 60 डिग्री। अब साइन 30 के मान 1/2 परंतु कॉस 30 के मान होता है √3/2 जो कि बराबर नहीं आया, इसलिए अभी असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कहता है कि पांचवा ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब कि अपरिभाषित है। तो ध्यान दीजिए यहाँ हम लोग इसे भी कैसे कर लेंगे, अतः ए बराबर 0 रखेंगे तो कॉट 0 डिग्री, चूंकि ए का मान कितना रखना है 0, ए बराबर 0 पर कह रहा है ना, तो है की जगह पे 0 रखेंगे, तो कॉट 0 के मान जो होता है अपरिभाषित होता है इन्फिनिटिव। तो यह कहता है कि परिभाषित नहीं है, इसका मतलब सत्य है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपको लेकर के आएंगे प्रश्नावली 8.3। जय हिंद, वंदे मातरम।